नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करता हूँ काफ़ी ज़्यादा बढ़िया होंगे। मेरा नाम है शिवम और आप देख रहे हैं हमारे YouTube चैनल। दोस्तों आज हमारे पास पल्सर 150 ड्यूल डिस्क डैगर एडिशन, तो इस गाड़ी की सारी डिटेल्स आज मैं आपको देने वाला हूँ। तो क्या प्राइस है, क्या इसके फीचर्स है, क्या स्पेसिफिकेशन, सारी चीज़ें कवर करेंगे। तो भाई लास्ट तक बने रहो, अभी तक अगर चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो फटाफट सब्सक्राइब कर लो ताकि इस तरह की इंटरेस्टिंग वीडियो आपको मिलते रहे। दोस्तों फ्रंट से अगर स्टार्ट करेंगे तो ये जो वेरियंट है भाई ड्यूल डिस्क में आता है और पल्सर 150 है। ये सेम जो अपना जो स्टार्टिंग से आ रही है सेम वही लुक रखा हुआ, बस जो मेन चेंजेस आए हैं वो उसके ग्राफिक्स में आए। और इससे पहले जो ड्यूल डिस्क वेरिएंट आता था वही जो है कैरी फॉरवर्ड किया हुआ है। तो फ्रंट से अगर स्टार्ट करेंगे तो भाई सेम वही लुक दिया है जो पल्सर 150 में आता था। ऊपर आपको ब्लैक कलर का वाइजर दिया हुआ है, यहाँ पे आपको लाइट्स दी हुई हैं तो मैं आपको दिखा देता हूँ। तो हेलोजन हेडलैम्प दिया हुआ है, ये नीचे आपको येलो मिल जाता है लाइट और कुछ इस टाइप का लुक आता है। इंडिकेटर्स आप देखेंगे तो बल्ब वाले इंडिकेटर दिए हुए हैं, ये भी आप चेकआउट कर सकते हैं। नेक्स्ट अपन नीचे आएंगे तो इसका जो मडगार्ड है भाई वो आपको ड्यूल टोन में मिलता है, मतलब ग्लॉसी ब्लैक और कार्बन फाइबर फिनिश विथ वाइट ग्राफिक्स, तो काफ़ी बढ़िया लग रहा है। नीचे थोड़ा सा एक्सटेंशन भी दिया हुआ है ताकि जो कीचड़ मिट्टी है भाई ज़्यादा आपके इंजन तक ना जाए। ये रहा इसका भाई डिस्क और सिंगल चैनल ABS इस बाइक में आपको मिलता है। टायर साइज़ की अपन बात करेंगे तो भाई ये जो टायर है अपना MRF का ट्यूबलेस टायर है 90x90 17 inches का, काफ़ी सही प्रोफाइल दिया हुआ है। डिस्क ब्रेक का साइज़ आप देखेंगे तो जो पल्सर 180 और 220 में आता था सेम वही साइज़ रखा हुआ है। फ्रंट सस्पेंशन की बात करेंगे तो यहाँ पे आपको रिफ्लेक्टर दिया हुआ है ऑरेंज कलर का और काफ़ी सही और बढ़िया सस्पेंशन इसमें प्रोवाइड किया हुआ है। एलॉय व्हील्स आपको ब्लैक कलर के मिलते हैं और उसके साथ वाइट कलर की ग्राफिक्स इसमें प्रोवाइड की हुई है। अब साइड से आप देखेंगे तो कुछ इस टाइप का लुक आता है भाई, ग्राफिक्स काफ़ी बढ़िया लग रही है, मतलब मैट रेड और ब्लैक और वाइट का कॉम्बिनेशन है ट्रिपल टोन में। और अब बात कर लेते हैं अपन इसके इंजन स्पेसिफिकेशन की, तो भाई 149.5 cc का इसका इंजन है और ओवरऑल अगर वेट की बात करें अपन गाड़ी के तो 148 kg की वाइट का बाइक का कर्व वेट है। और फ्यूल टैंक कैपेसिटी की बात करें तो 15 लीटर्स इसमें अप्रॉक्स आपको कैपेसिटी मिल जाती है। और ये रहा दोस्तों इसका इंजन, तो इंजन आपको मिलता है एयर कूल्ड जो कि कुछ इस टाइप का है। और पावर फिगर्स की अगर अपन बात करें तो 11 न्यूटन मीटर का इसमें आपको टॉर्क दिया हुआ है और 9.6 BHP का इसमें आपको पावर मिल जाता है, तो काफ़ी सही पावर इसमें मिल जाता है। गाड़ी कहीं से कहीं तक आपको अंडर पावर नहीं मिलती है, तो इस चीज़ को आप कंसिडर कर सकते हैं। नेक्स्ट बात करें तो यहाँ पे आपको लेग गार्ड प्रोवाइड किया हुआ है, उसके साथ आप देखेंगे तो यहाँ पे आपको दिया हुआ है बॉडी काउल जिसमें कि आपको ग्राफिक्स दी हुई हैं, तो काफ़ी बढ़िया लग रहा है इसका ग्राफिक्स। नेक्स्ट इधर आप देखेंगे तो यहाँ पे आपको किक स्टार्ट नहीं मिलता है, जो इससे पहले मतलब जो सिंगल डिस्क वाली जो वेरियंट में पल्सर आती है उसमें आपको किक स्टार्ट मिलता है, लेकिन इस वाली जो बाइक है इस वाले मॉडल में आपको किक स्टार्ट नहीं दिया हुआ है। यहाँ पे दिया हुआ आपका ब्रेक लीवर जो कि रहेगा रबराइज, तो आप चेकआउट कर सकते हैं। नेक्स्ट बात करेंगे यहाँ पे आपको फुटबैग्स दिए हुए हैं जो कि आपके रहेंगे फोल्डेबल। और सेंटर पैनल की बात करेंगे तो ये आपको ग्लॉसी कार्बन फाइबर फिनिश में दिया हुआ है विथ वेंट्स, तो काफ़ी सही डिज़ाइन दिया हुआ है। पीछे भी आपको फोल्डेबल फुटरेस्ट मिलता है और ये आपको ब्लैक कलर में दिया हुआ है, ग्लॉसी ब्लैक कलर। इधर इसका एग्जॉस्ट थोड़ा सा आपको भाई अपलिफ्टेड मिलता है, तो इधर पर आप चेकआउट कर सकते हैं। और सिंगल डिस्क में अगर आप लेते हैं तो उसका जो इसके एग्जॉस्ट का जो हाइट है वो थोड़ी सी कम है एज़ कम्पेयर टू ड्यूल डिस्क वेरिएंट। मेन स्टैंड भी गाड़ी में दिया हुआ है, यहाँ पे थोड़ा सा आपको भाई दिया हुआ है कवरिंग, मतलब अगर कभी आप यहाँ से सीट साइड से पैर में आपको भी ऊपर जाके दिखा दूंगा तो किस काम का ही है। रियर में आपको डिस्क ब्रेक दिया हुआ है, ये आप चेकआउट कर सकते हैं। और ये टायर की बात करें तो भाई ये आपको मिल जाता है, इसका साइज़ आप देखें तो 120x80 17 inches के टायर दिए हुए हैं जो कि रहेंगे MRF के ट्यूबलेस। और यहाँ पे पूरा एडजस्टमेंट दिया हुआ है, यहाँ पे आपको ग्राफिक्स जो है वाइट कलर की। और पीछे से आप देखेंगे तो भाई काफ़ी सही प्रोफाइल दिया हुआ है और कुछ इस टाइप का भाई LED सेटअप दिया हुआ है इसमें, तो ये कुछ व्यू आता है पीछे से। इधर पे आपको 150 की बैजिंग और तो ये वाला जो पार्ट रहेगा पूरा मैट में रहेगा और बाकी जो ग्राफिक्स रहेगी वो ग्लॉसी प्रोवाइड की हुई है। यहाँ पे 150 की बैजिंग मिलती है, वाइट कलर की ग्राफिक्स यहाँ पे, और इधर पे आपको कार्बन फाइबर फिनिश दिया हुआ है। एंड्योरेंस के सस्पेंशन दिए हैं जो कि आपके एडजस्टेबल रहेंगे, अपने अकॉर्डिंगली आप इसको एडजस्ट कर सकते हैं। ग्रैब हैंडल देखें तो स्प्लिट ग्रैब हैंडल दिए हुए हैं और स्प्लिट सीट इस गाड़ी में प्रोवाइड की हुई है, तो काफ़ी सही मतलब सीट है, ज़्यादा स्टिफ भी नहीं है, ज़्यादा सॉफ्ट भी नहीं है, मतलब मॉडरेट है, तो ऐसा कोई इशू नहीं आएगा। और इस साइड से आप देखेंगे तो यहाँ पे आपको किसी भी तरीके का साड़ी मतलब फुटरेस्ट नहीं मिलता है, साइड में साड़ी गार्ड दिया हुआ है। और ये भाई इसका गियर लीवर वगैरह दिए हैं, 5-speed गियर बॉक्स है, 1 down 4 up। ये रहा इसका साइड स्टैंड और मेन स्टैंड। अब चलते हैं मीटर कंसोल की तरफ, देखते हैं क्या क्या चीज़ें हैं। तो इधर आप देखें तो कुछ इस टाइप की मिलती है आपको, और जैसे इग्निशन आप ऑन करते हैं तो कुछ इस टाइप का एनिमेशन आएगा। तो RPM मीटर, स्पीडो मीटर और फ्यूल गेज आपको यहाँ प्रोवाइड किया हुआ है, तो भाई कुछ इस टाइप का व्यू आता है बैठने के बाद। क्लिप ऑन हैंडल बार है तो काफ़ी सही
और अच्छा पोस्चर गाड़ी में मिल जाता है, ज़्यादा अग्रेसिव भी नहीं है और ज़्यादा आपको स्पोर्टी भी नहीं मिलता है, मतलब ज़्यादा कंफर्टेबल भी नहीं कि आप नॉर्मल बाइक चला रही, स्पोर्ट्स बाइक चलाने का जो फील है वो आपको इसको चलाने के बाद ज़रूर आएगा। ये कुछ ऐसा भाई व्यू है ऊपर से, टैंक भाई इसका मेटेलिक है, काफ़ी अच्छी बिल्ट है, और ये इसके साइड मिरर्स हैं। स्विचेस की बात करेंगे तो भाई इंजन किल स्विच, सेल्फ स्टार्ट, यहाँ पे आपको पासिंग, अपर डिपर, इंडिकेटर्स और हॉर्न, हॉर्न काफ़ी ज़्यादा लाउड है भाई, ड्यूल हॉर्न इसमें प्रोवाइड किया हुआ है। इधर आप देखेंगे तो इल्यूमिनेशन दिया हुआ है वाइट कलर का, ये आप चेकआउट कर सकते हैं। अब भाई मैं गाड़ी को एक बार ऑन करके आपको दिखा देता हूँ। पल्सर वाला जो साउंड आता है वो भाई इसमें आज भी है। और इधर आप देखेंगे तो भाई ये जो मैं आपको बता रहा था, शो कर रहा था, अगर आपका पैर आप आगे पीछे करते हो तो यहाँ पे आपका पैर डायरेक्ट एग्जॉस्ट में ना लगे इसलिए। और एक चीज़ और है भाई, देखो जैसे अभी गाड़ी ऑन है और साइड स्टैंड लगा हुआ है, और जैसे मैं गियर डालता हूँ तो गाड़ी बंद हो जाएगी, तो काफ़ी अच्छा सेफ्टी फीचर है, मतलब कि पहले जो है बाइक्स में प्रोवाइड नहीं होता था, लेकिन अभी मैक्सिमम बाइक्स में चीज़ आ रही है। दोस्तों बात कर ले इसके कॉस्टिंग की, तो 1,15,000 के आसपास इसका एक शोरूम प्राइस है भोपाल मध्य प्रदेश में। और अगर आपको भाई इस बाइक को परचेस करना है, फिर और भी डिटेल आप लेना चाहते हैं, तो आप होम एडवांस बजाज पर विजिट कर सकते हैं, एड्रेस और नंबर आपको डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दूंगा। दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।